क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 125 कैसेट्स अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी है वो 125 कैसेट को बेचता है। अगर 125 कैसेट को वो बेचता है तो 125 कैसेट बेचने में उसको जितना 5 कैसेट खरीदने में कीमत लगता है उतना रुपया उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, गेन हो गया। यानी 125 कैसेट बेचा जिसमें 120 कैसेट उसका चला गया कोस्ट प्राइस पे, और 5 कैसेट जितने जितना प्राइस था 5 कैसेट का उतना इसको प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। तो बताइए इसका गेन परसेंट कितना है। ठीक है, पूछा गया है कि इसका गेन परसेंट बताइए, यानी कितना परसेंट इसको प्रॉफिट हो गया है वो बताइए। तो मान लिया कि एक कैसेट का कीमत जो है उसको मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, तो बेच रहा है 125 कैसेट, तो मान लेते हैं कि एक कैसेट बेच रहा है 100 रुपीज़ में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर लेट रुपीज़ एक्स बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट। ठीक है, मान लिया कि एक कैसेट को 100 रुपया में बेच रहा है। तो अगर एक कैसेट को 100 रुपया में बेच रहा है तो 125 कैसेट को कितने रुपए में बेचेगा। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स कितना होगा, एक कैसेट का कीमत एक्स, तो 125 कैसेट का 125 एक्स हो जाएगा 125 कैसेट का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर अब हमको फाइंड करना कितना 5 कैसेट का इसको फ़ायदा हो रहा, तो 5 कैसेट का भी सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 5x, एक का 1x तो 5 का 5x। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चल गया, 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस और 125 कैसेट का सेलिंग प्राइस पता चल गया। तो यहाँ पर गेन क्या हो रहा है वो भी पता है, यहाँ पर गेन कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है इसको 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर। यानी गेन कितना हो गया 5x, है ना, 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस है 5x, तो इसका गेन भी हो गया 5x। तो गेन पता चल गया 5x, और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो भी पता चल गया कितना है 125x। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 125x है तभी इसको 5x गेन हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, लेकिन गेन का फार्मूला हमको पता है, बट गेन कितना हुआ, गेन का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द गेन परसेंट, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन बाय सीपी इनटू 100। ठीक है, तो गेन तो हमको पता चल गया और 100 तो 100 होता है, सीपी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सीपी हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, सीपी का फार्मूला क्या होगा, तो सीपी इक्वल टू, सीपी इस तरफ आ जाएगा, तो सीपी इक्वल टू क्या होगा एसपी, ये उस तरफ जाके माइनस गेन। ठीक है, सीपी कितना हो गया एसपी माइनस गेन होगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो एसपी कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 125x, और माइनस गेन कितना हो गया 5x, तो 5x कर दिए यहाँ पर, तो माइनस करके 125 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 120x, ये हो गया इसका कोस्ट प्राइस। ठीक है, 120x हो गया इसका कोस्ट प्राइस। तो कोस्ट प्राइस पता चल गया, सेलिंग प्राइस पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया। तो अब गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना तो आसानी से निकाल सकते हैं, फार्मूला लिखेंगे क्या होगा, गेन परसेंट, गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है गेन बाई सीपी इंटू 100, है ना, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला पर बस लिख दिए इसका गेन कितना था, तो गेन यहाँ पर अभी हमने फाइंड किया 5x, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 5x, अब बाई सीपी, सीपी कितना आया, तो सीपी आया 120x इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको कट करते हैं, कट हो रहा है 0 से 0 यहाँ पर कट हो गया, और 2 से कट हो रहा है 6 टाइम्स, 2 6 12, 2 से कट हो रहा है 5 टाइम्स, ठीक है ना। अब नहीं कट हो रहा तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5 5 25, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई होकर 25x, और बाई नीचे कितना आ गया 6x, 25x बाई 6x आ गया। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, x और x को कट कर देंगे तो आएगा 25 बाई 6, इसको चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 4 इंटीजर 1/6%। ठीक है, ये हो गया आंसर, 4 इंटीजर 1/6% जो है वो हो गया इसका आंसर। यानी कि उसको क्या है क्वेश्चन में, कि अगर 125 कैसेट को वो बेच रहा है
तो 5 कैसेट के बराबर सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हो गया, यानी कि टोटल जो है उसको परसेंटेज में बोले तो 4 इंटीजर 1/6% उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।